दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों ये देखिए हमारा आलू। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने गार्डन में क्या क्या काम किया है। ये देखिए जो घिया की बेल हमारी इस वाले ड्रम में लगी हुई थी होती है, क्योंकि उधर धूप नहीं आती है और इसमें धूप आ जाती है, इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये हमारी मटर काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी मटर मैंने इसमें डाली थी, लेकिन ये 5-6 पेड़ ही मुझे मिले इसमें से। ये देखिए आलू भी काफ़ी अच्छा हमारा हो रहा है। पानी बहुत कम आलू में चाहिए होता है, इसलिए पानी में बहुत कम डालती हूँ इसमें। और दिखाती हूँ मैं आपको क्या कि ये मटर के कुछ दाने मेरे पास रखे हुए थे जो बीज लेके आए थे, तो इसको भी मैंने अंकुरित कर दिया है। देखती हूँ इसको भी डाल के होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वो वाले दाने तो मैंने बिना अंकुरित करे ही डाले थे, तो इसलिए तो 4 ही हुए थे, 5-6 पेड़ ही हुए थे। और इसको भी डाल दूँगी मैं, इन दानों को भी मैं यहीं पे गाड़ देती हूँ, क्योंकि अब ये देखिए इसी में गाड़ देती हूँ यहीं पे। दाने हमने गाड़ दिए हैं दोस्तों, देखते हैं जर्मिनेशन उनकी कैसी होती है। इन सभी में एक एक दो दो दाने में सब डाल दूंगी। इतनी मिट्टी कहाँ से लाऊंगी मैं, इसलिए मिट्टी मेरे पास बहुत कम है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिल रही है मैं वहाँ मटर के दाने गाड़ देती हूँ सारे। सारे मटर के दाने मैंने गाड़ दिए हैं दोस्तों। देखिए गोभी के पेड़ हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जितना भी बीज मैंने डाला था, एक भी बीज मेरा मरा नहीं था, सभी हो गए थे। अभी भी काफ़ी पेड़ मेरे पास हैं। देखती हूँ इनको, या तो किसी को दे दूँगी या देखती हूँ कहीं। और ये मैंने काम किया था दोस्तों, गमलों में सभी गोभी के पेड़ लगा दिए थे मैंने। ये देखिए डब्बे में जो 2 मिर्ची के पेड़ थे, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए किचन में प्याज पड़ी थी, एक प्याज भी इसमें मैंने गाड़ दी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है मिर्ची का पेड़, ये भी मिर्ची है। ये देखिए इसमें भी मैंने मटर के दाने गाड़ दिए हैं। और ये प्याज है, किचन में रखी हुई थी, इस तरह से हरे हरे से इसमें से निकल रहे थे, तो मैंने इसको भी इसमें गाड़ दिया है। ये मिर्ची है, बुलेट मिर्ची, इसी में मैंने मेथी के दाने डाल दिए थे दोस्तों। ये देखिए ये भी खूब अच्छे से हो रहे हैं। ये हमारी अचार वाली मिर्ची है, मोटी वाली। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने मटर के दाने 2-4 डाल दिए हैं। ये देखिए जो ये हरा हरा आपको दिख नज़र आ रहा है दोस्तों, पहले मैंने नहीं दिखाया था, मैंने सोचा कहीं होगा नहीं होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ ये क्या है। और ये भी वही है, ये हुआ नहीं, मर गया इसका ये। और जो मूली हम खाते हैं, मूली के पत्ते के पास जो गांठ सी निकलती है, ये वही है। मूली के पत्ते काट लेते हैं और जो मूली के ऊपर जो गांठ सी होती है वो ये है, और वही मैंने काट के यहाँ पे गाड़ दिया था। इसमें से भी हमें सिंगरे बोलते हैं उनको, वो वाली फली निकलती है। अब देखते हैं ये कैसे कैसे सर्वाइव करता है। गाड़ तो दिया है, हो भी गया है, इसीलिए आज मैंने आपको ये दिखाया। ये मेथी है दोस्तों, मेथी के दाने इसमें मैंने डाल दिए थे, और ये भी बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने कहा मैं जब ही दिखाऊंगी जब इसमें निकल आएंगे। ये देखिए, और प्याज भी इसमें गाड़ दी थी, किचन में रखे रखे जो प्याज निकल जाते हैं हरे हरे से उसमें, तो ऐसे ये भी खूब अच्छे से हो रही है। ये देखिए और दिखाती हूँ, ये हमारी ग्रीन लिली है। ये देखिए दोस्तों, सूखे सूखे से पत्ते हो गए थे और अब नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें से, नीचे से गमले में शिफ्ट करने के बाद इसमें से ये नए नए निकल रहे हैं ग्रीन लिली के। और जब मैंने इसमें शिफ्ट किया था तो थोड़े थोड़े से सूखने लगे थे ऊपर से, लेकिन अब जड़ अच्छे से पकड़ लिए और नए नए ब्रांचेस भी इसमें से निकल रही हैं। ये मैरीगोल्ड,
पुराना फूल तो निकल गया था, ये नया फूल आया है, और भी कलियाँ इसमें आ रही हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने इसलिए दिखाया है कि ये मैं दिखा दूँ। पक्का मुझे ये भी नहीं पता है कि ये वही है कि कुछ और है। बुलेट मिर्ची जो ख़राब हो गई थी उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे, और ये देखिए, पक्का नहीं कह सकती मैं, लेकिन लग रहा है मुझे वही है ये। आगे आगे जब होते हैं तो दिखाती हूँ आपको। बुलेट मिर्ची भी हमें मिल जाएगी, और ये हमारा जाफरी गेंदा, ये देखिए नए फूल सारे निकले हैं, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये हमारा कॉकॉर्न, नीचे से भी इसमें से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है। पत्ते जो सूखे सूखे हैं उसको निकाल देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे से चल रहा है। ये देखिए बस, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने कंपोस्टिंग की तरफ, जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर को ये डब्बा पूरा भर गया था, और इसमें काफ़ी हद तक ये नीचे चला गया है, कंपोस्टिंग बन रही हो रही है इसमें। ये देखिए सूखे पत्ते भी लेने मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, गार्डन से ही मिल जाते हैं। एक किचन वेस्ट है, प्याज लहसुन जो भी कुछ होता है किचन का, सारा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ पे। ये भर गया था इसलिए मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया था, और कुछ था भी नहीं मेरे पास, और लेयर बाय लेयर करके मैं इसको डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए इसको मैं अभी आपके सामने भर देती हूँ। इसी में थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ, एक लेयर और डाल देती हूँ इसमें मैं। अंडे के छिलके भी डाल दिए थे मैंने इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा हमारा भर गया है डब्बा खूब अच्छे से। अब इसको मैं पैक कर दूंगी, मिट्टी डाल के इसे पैक कर दूंगी मैं। ये देखिए दोस्तों, पैक कर दिया मैंने इसको। गुड़ और दही अभी मेरे पास नहीं है, बाद में मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जल्दी कंपोस्टिंग हो जाए हमारी। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।